हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी हट। आज के इस वीडियो में मैं लेके आई हूँ गार्नियर ब्लैक नेचुरल्स रूट टचअप हेयर कलर। आई होप कि आप सबको वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि रूट टचअप क्या होता है और आप इसको कैसे कर सकते हैं। तो ये है इसका ब्राउन ब्लैक कलर, जिसका शेड है नंबर 3। तो इसको इसमें साथ ही साथ आमंड ऑयल है और ब्लैक टी एक्सट्रैक्ट्स भी हैं, प्लस इसमें कोई अमोनिया नहीं है और ये 100% शाइन प्रोवाइड करता है आपके हेयर्स को और सिल्की सॉफ्ट बनाता है। प्लस इसमें लिखा है कि 100% ग्रे कवरेज भी देता है और 15 मिनट्स में काम करता है। तो देखते हैं क्या ये सच में काम करता है। और इसकी जो पैकिंग है वो 3 ईयर्स तक की है। आप इसको 3 ईयर्स तक स्टोर करके रख सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने इसको कट कर लिया है और इसमें ये 2 चीज़ें निकली हैं, एक है कलरेंट और एक है डेवलपर। अब मैं इन दोनों को कट करके मिक्स कर लूँगी। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल ब्यूटी हट पर नए हैं तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और तब तक आप ये वीडियो एंजॉय कीजिए। अब मैं इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी और साथ ही साथ ग्लव्स भी आप डाल लीजिएगा, जिससे कि आपके हाथ पर कलर ना लगे। क्योंकि विदाउट ग्लव्स अगर आप इसको लगाएंगे किसी के हेयर्स पर तो फिर आपके हाथ भी गंदे हो जाएंगे। तो इसलिए आप कोशिश कीजिए कि ग्लव्स को अप्लाई कीजिए। तो यहाँ पर जितने भी रूट्स वाइट हैं, मैं वहाँ पर इसको डायरेक्टली अप्लाई करूँगी। और आपको इसको सूखे बालों पर ही लगाना है। एक तो वॉश हुआ होना चाहिए सर, ये नहीं कि ऑयल लगा हुआ है हेयर्स में, तो ऑयल बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए और कंडीशनर भी नहीं होना चाहिए, सिर्फ शैम्पू से वॉश होना चाहिए और उसके बाद हम इसको सारे रूट्स पे अच्छे से अप्लाई कर देंगे। तो मैं अच्छे से इसको सारे रूट्स में अप्लाई कर रही हूँ। आप देख सकते हैं कि मैंने बहुत अच्छे से लगा दिया है। उसके बाद मैंने हेयर्स को कॉम कर दिया है। कॉम इसलिए किया है कि जिससे जहाँ जहाँ कलर रह गया है वहाँ भी अच्छे से वो पहुँच जाए, इसलिए कॉम करना बहुत ज़रूरी है हेयर्स को। अब मैंने इसको 25 मिनट्स तक रखा था हेयर्स में, 25 भी क्या 30 मिनट्स तक। उसके बाद मुझे 100% कवरेज मिली है। तो ये बिल्कुल सही है कि ये 100% कवरेज देता है, बट 15 मिनट्स में ये काम नहीं करता। इसको आपको 25 से 30 मिनट्स तक ही रखना पड़ेगा, ये तभी काम करता है। 15 मिनट्स में कलर तो हो जाएगा बट पूरा 100% कवरेज आपको नहीं मिलेगी। तो इसलिए आपको इसको ज़्यादा देर तक ही रखना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि अच्छे से सारे रूट्स कलर हो जाएं। तो रूट टचअप का मतलब यही था कि जितने भी रूट्स वाइट हो चुके हैं उनको कलर किया जाए। और साथ ही साथ आपको ये ध्यान रखना है कि अगर किसी के शॉर्ट हेयर्स हैं, जैसे कि बॉयज़ के होते हैं, तो उसमें तो ये हाफ़ पैकेट लगता है, तो हाफ़ पैकेट में आपका काम हो जाएगा। बट अगर किसी के लॉन्ग हेयर्स हैं, जैसे गर्ल्स के होते हैं, तो उसमें आपको क्या करना है, अगर खाली रूट टचअप आप कर रहे हैं तो 1 पैकेट ही लगेगा। जैसे मैंने अभी आपको करके दिखाया, पूरे 1 पैकेट ये फिनिश हो गया है। बट अगर आपको पूरे हेयर्स में कलर करना है, कि आपको सारे हेयर्स नीचे तक कलर करना है, तो फिर आपको
लेंथ के अकॉर्डिंग उतने ज़्यादा पैकेट्स लगेंगे। नॉर्मल लेंथ में 2 पैकेट्स और उससे ज़्यादा लेंथ में और ज़्यादा पैकेट्स लगेंगे। और इसकी कॉस्ट भी कोई ज़्यादा नहीं है, 37 रुपीज़ का ये है। आई होप कि आपको रूट टचअप के बारे में पूरी नॉलेज अच्छे से मिल गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है आप मेरे से कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल ब्यूटी हट पर नए हैं तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और ऐसी और वीडियोज़ के साथ जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।